18 हाथ वाली माता जी है, देखिए ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब दिख रहा है भाई पक्का से, शेर देखिए क्या जबरदस्त शेर लग रहा है। हाय दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवटल व्लॉग्स में। और दोस्तों, जैसे कि पता है नवरात्रि 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, तो अभी मैं एक बार फिर पहुंच चुका हूं मूर्तियों का गढ़ थनौद, और यहां पर किस प्रकार से मूर्तियां तैयार हो रही है ये आपको दिखाता हूं। और अभी मैं हूं मेघूराम चक्रधारी के साइट के पास, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मूर्तियाँ किस प्रकार से अभी तैयार हो रही है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाला वीडियो पहुँचे आप तक बहुत जल्दी। तो चलिए दोस्तों, बैक कैंपस दिखाता हूँ मेघूराम चक्रधारी की यहाँ तैयार होती दुर्गा मूर्तियाँ। तो ये है मेघू भैया का साइट, आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए माता जी किस प्रकार से तैयार हो रही है। अभी थोड़ा सा मिट्टी में है, थोड़ा सा कच्चा है, तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं शॉर्ट में, जल्दी दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये देखिए माता जी तैयार हो रही है पूरा 9 रूप में। अलग अलग जो माता जी के 9 रूप होते हैं वो तैयार हो रहे हैं, एक पंडाल में जाएगा। देखिए अभी बहुत काम बचा हुआ है, तो हम आए थे बोले एक वीडियो तो बना के दिखा देते हैं। ये देखिए अभी पूरा कच्चा मिट्टी में है, और ये देखिए और माता जी इधर पूरा कच्चा काम चल रहा है अभी बाहर में। ये देखिए पूरा कच्चा काम चल रहा है, ये पूरा 9 रूप है माता जी के। देखिए 1 2 ये 3 ये 4 और 5 6 7 8 ऐसे टाइप के 9 रूप हैं। ये सब लगभग एक ही साइज़ के हैं, लगभग सभी 5 फीट के आसपास होंगे। तो देखिए काम चल रहा है अभी, ये देखिए। और इधर एक तो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, देखिए शेर, देखिए क्या शेर, क्या गजब लग रहा है। ये भी लगभग होगा 9 फीट 10 फीट के आसपास होगा, और आर्च मिला के लगभग 10 फीट तो पहुँच ही जाएगा। ये देखिए, तो अब धीरे धीरे मूर्तियाँ आकार ले रही दोस्तों माता जी। और 3 अक्टूबर से माता जी विराजमान हो रही, नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है। तो हम गणेश का वीडियो आपको दिखाया था, तो अब दुर्गा माता जी की मूर्तियाँ तैयार हुई तो इनका वीडियो दिखा रहे हैं। और जब पेंटिंग होगा उस समय भी दिखाएंगे। जैसे जस्ट यहाँ आए थे तो हम लोग बोला चलो एक बार वीडियो बना देते हैं 5 मिनट का करके। ये देखिए, और शायद अंदर में भी थोड़ा बहुत वाइटिंग हो रहा, तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए सांचा में, देखिए किस प्रकार से सांचा मिट्टी भरा गया है, आकार लेता है इसका मुकुट वगैरह और थोड़ा सा सर वगैरह का है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक और माता जी है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। देखिए ऊपर बना हुआ पूरा मिट्टी में काम हुआ है, तो धीरे धीरे अब काम आगे बढ़ते जा रहा है और मूर्तियाँ आकार लेती जा रही है। और यहाँ थोड़ा अंदर कुछ मूर्तियाँ हैं जिनमें घसाई का काम चल रहा है और वाइटिंग वगैरह भी लगा हुआ है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। और ये देखिए दोस्तों क्या गजब शेर है, दांत तो देखिए, वाह। ये देखिए, तो दोस्तों इसमें से बहुत मूर्तियां गणेश के पहले से बन के रखी हुई थी, बस इसमें सर वगैरह नहीं लगाया था क्योंकि गणेश के जाने के बाद 25 दिन का समय रहता है, ज़्यादा समय नहीं बचता तो पूरा काम नहीं हो पाता है, इसलिए पहले से माता जी ही बनाई जाती है, उसके बाद बाकी गणेश के काम होते हैं। और देखिए भाई लोग घसाई वगैरह कर रहे हैं, घसाई होने के बाद इस टाइप से वाइट वगैरह लगता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही मूर्ति वाइट कलर में। ये देखिए धीरे धीरे वाइट होते जा रहा है, देखिए ये देखिए, और दिखाता हूँ मैं आपको, अब ये वाइटिंग होने के बाद कलर होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपको अलग अलग दिखेंगे, काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए माता के अलग अलग रूप हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो और मूर्तियाँ हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक अम्बे पोज में है, और यहाँ पर लॉयन है, लॉयन, देखिए बाल, देखिए इसके कलर होने के बाद क्या तबाही दिखेगा। ये देखिए माता जी, ये देखिए, इसी प्रकार से बहुत सारी और मूर्तियां हैं आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए वाइट कलर में है, ये देखिए हंसमुख, हंसमुख चेहरे में है। और ये देखिए, और तो बहुत सारी मूर्तियां हैं दोस्तों। भैया के पास लगभग 35-40 मूर्तियां होंगी, और आपको अभी आपको ज़्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि वाइट में है तो उतना समझ नहीं आ रहा, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दिया हूँ। और इस शेर देखिए क्या ज़बरदस्त शेर लग रहा है। ये देखिए इस तरह से गहने वहने बनाए जाते हैं चौक मिट्टी के। और ये देखिए यहाँ पर भी देखिए वाइटिंग का काम हो रहा है। ये देखिए महिषासुरवर्धिनी माता जी भी पूरे वाइट में हैं, इधर भी मूर्ति हैं, तो काफ़ी सारी मूर्तियां हैं। देखिए बस थोड़ा थोड़ा सा आपको झलकियां दिखा रहे हैं, इधर भी है, अब कलर होगा उसके बाद ही हम लोग आएंगे। और एक बार ये राक्षस देखिए,
क्या दिख रहा है भाई बकासुर। अरे देखिए भाई लगे हुए हैं, अरे देखिए थोड़ा सा ये देखिए, तो इस तरफ से सब लगा हुआ है राक्षस वाला। ये दोस्तों क्या गजब मूर्ति, 18 हाथ वाली माता जी है। देखिए ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा काला काला हो गया है। ये देखिए, चलिए दोस्तों, माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी।